दोस्तों मैक ओएस सोनोमा का न्यू अपडेट आ गया है। हम लोग बिना देर किए हुए इसके जनरल में जाएंगे और वहां से देखेंगे कि कितने जीबी का अपडेट आया हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाने के बाद आपको यहां से डिटेल आएगा मोर इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 14.1 का अपडेट आया हुआ है 2.25 जीबी का। तो दोस्तों इसमें कुछ जो बग है वो फिक्स कर दिए गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारा बग्स था, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहां से अगर बग्स की बात कर लिया जाए तो इन्हेंसमेंट, बग फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट्स ये सब किए गए हैं। उसके साथ ही साथ फेवरेट्स एडेड इन म्यूजिक इंक्लूड सॉन्ग्स, पॉज करके ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। सॉन्ग एल्बम्स एंड प्लेलिस्ट एंड यू कैन फिल्टर डिस्प्ले टू योर फेवरेट इन द लाइब्रेरी, ये सब भी है। एप्पल वारंटी स्टेटस फॉर मैक, एयरपॉड्स, बीट्स, हेडफोन्स एंड ईयरबड्स आर अवेलेबल इन सिस्टम सेटिंग। उसके बाद फिक्स इशू एंड वेयर द सिस्टम सर्विस सेटिंग वेन लोकेशन सर्विसेज में रिसेट। उसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल ड्राइव्स में कुछ प्रॉब्लम था वो कर लिया गया। चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी अपडेट्स आया है, इसके साथ किस किस डिवाइसेज में ये अपडेट देखने को मिला है। तो इसके साथ पिछले वाले भी कुछ मैक ओएस वेंचुरा जो कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी आया है। तो सारी चीज़ों में सॉफ्टवेयर अपडेट ये आ गया है। और नीचे ड्रैग करके देख लेते हैं कि एप्पल का सिक्योरिटी अपडेट्स एंड रैपिड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज में iOS 17.1 एंड iPad OS, इसके साथ iOS 17.7.2, इसके साथ आप देख रहे हैं कि मैक ओएस सोनोमा 14.1 का भी आया है। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये 25 अक्टूबर को ही रिलीज कर दिया गया था। चलिए इसको अब कंप्लीट देखते हैं इस पर क्लिक करके कि क्या कुछ है। तो चलिए फिर इस पर क्लिक किया जाए और देखा जाए कि क्या है। तो अबाउट द सिक्योरिटी कंटेंट ऑफ मैक ओएस सोनोमा 14.1, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है, यहाँ से आप खुद पढ़ सकते हैं। मैक ओएस सोनोमा 14.1 और इसके साथ ऐप सपोर्ट्स जो जो जिसमें फिक्स किए गए हैं, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम थे वो सारा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। ऐप स्नैक डॉक्स कॉन्टैक्ट्स यहाँ तक कि और नीचे बहुत सारा, आप इसको अगर आप अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप वहाँ पर ड्रैग करके पढ़ सकते हैं। बाकी नहीं तो इसमें भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के सारे डिटेल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। कोर एनिमेशन हो गया इन सब चीज़ों में एंड ऐप में भी एबल टू कॉज ए डिनियल ऑफ सर्विसेज, तो इसको फिक्स किया गया है। इमोजीज को कुछ फिक्स किया गया है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में छोटे छोटे परिवर्तन किए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, पॉज वगैरह करके पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको 2.25 जीबी के अपडेट में मूल रूप से परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब अपडेट करने की बारी आती है, तो चलिए इसको अपडेट किया जाए और देखा जाए कि ये 2.25 जीबी से कितना ज़्यादा जीबी तक ये अपडेट लेता है, क्योंकि जितना रहता है मूलतः उससे ज़्यादा ही लगता है। तो चलिए इसको एग्री एंड पासवर्ड डाल देते हैं। तो पासवर्ड जो भी आपका मैक का है उसको डालने के बाद यहाँ से डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं उसके साथ 1.34 जीबी हो गया है मेरा डाउनलोड, लेकिन ये 3.50 जीबी यानी कि 3.5 जीबी आपको लगेगा और 7 मिनट दिखा रहा है, लेकिन लगभग 14 मिनट लगे अपडेट होने में पूरा। तो सिस्टम मेरा अपडेट हो गया है। और दोस्तों पिछले जो मैक ओएस सोनोमा का अपडेट था 14.0, उसमें बहुत सारे बग थे। आपका कौन कौन सा बग था आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सारे टेस्टिंग कर रहे हैं कौन कौन कुछ नया वगैरह आया है कि नहीं। ऊपर जैसा था, जो जैसा ऑप्शन था बिल्कुल वैसा ही है, नथिंग चेंज। अब सेटिंग में आकर के देखते हैं कि इसमें कुछ, और साथ में वॉलपेपर भी देखेंगे कि वॉलपेपर कुछ नया वगैरह आया है कि नहीं। तो इसमें जो जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही है सारा कुछ, कुछ नया ऑप्शन नहीं अभी तक आया है। अब चलिए वॉलपेपर में देख लेते हैं कि उसमें कुछ नया आया है कि नहीं। तो वॉलपेपर वाले सेगमेंट में जाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, जितना आया था वैसे। इस बार तो मैक ओएस सोनोमा में भर भर के वॉलपेपर दिया है। पिछले वीडियो में मैंने पूरा फीचर्स डिटेल बताया है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में दिख रहा होगा, जाकर के देखिए मैक ओएस सोनोमा का फुल फीचर्स, क्या क्या नई चीज़ें आई है वो सारा कुछ बताया हूँ। और जैसा कि मैंने टेस्ट कर लिया ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इधर भी सब कुछ ओके चल रहा है, बिल्कुल अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है। भविष्य में 2-3-4 दिनों के बाद मैं यूज करके देखूंगा कि वो सारे जो बग थे वो फिक्स किए गए कि नहीं। रिव्यू वीडियो मैं जरूर लाऊंगा, तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन के बाद रिव्यू वीडियो में लाऊंगा कि वो सारे बग्स दूर किए गए हैं कि नहीं या कुछ नए बग आ गए हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये था फाइनली मैक ओएस सोनोमा 14.1 का अपडेट और उससे जुड़े जानकारी। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।